भावनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही, 20 लोगों को पहली डोज कोविशील्ड दी, दूसरी डोज को वैक्सीन लगा दी गई। वैक्सीन लगवा चुके लोगों में भयभीत का माहौल, दो गांवों के लगभग 20 लोगों को दी गई डोज और नहीं कला एक अन्य गांव के लोग भी शामिल। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चूक उजागर हुई है, जहां पर 20 लोगों को वैक्सीन का कॉकटेल लगा दिया गया। जी हां, पहले दौर में कोविशील्ड तो दूसरी डोज में कोवैक्सीन लगाई गई है, जो जिसके चलते लोगों के अंदर भय का माहौल है। अब ये वैक्सीन का कॉकटेल कितनी लोगों की जान लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन और दही कला से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सिद्धार्थनगर से। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लैक फंगस के मरीजों को नहीं मिली राहत, 20 इंजेक्शन की जरूरत मिले सिर्फ 22 इंजेक्शन में सिर्फ 3 मरीजों को राहत, अधिकारी इंजेक्शन मुहैया कराने में नाकाम, दीवानदार रेड क्रॉस सोसाइटी में डेरा जमाए। लखनऊ के अस्पतालों में 269 मरीज भर्ती, तो आपको बता दें हम कि 200 डोज की रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ 20 इंजेक्शन 22 इंजेक्शन प्राप्त हुए। वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शमशाद जुड़ चुके हैं। शमशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रेड क्रॉस को ये मिला था कि 9 फ्रेज पूरे करने के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इंजेक्शन देगा, लेकिन इस समय किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जो परिजन है वो किस तरह से हंगामा काट रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसने लगभग 90 इंजेक्शन की मांग पहले की थी, जो कि 90 इंजेक्शन ना मिलकर उसको सिर्फ 20 इंजेक्शन मिल गए थे, और उसके बाद भी उसने और जब इंजेक्शन की मांग की है ब्लैक फंगस के, तो उसको लगातार वहां से आश्वासन तो मिल रहा है प्रशासन से, लेकिन इंजेक्शन किसी तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा। अगर बात करें तो अब जो इंजेक्शन है ब्लैक फंगस के, वो सरकार ही प्रशासन जो प्रशासन है वही अवेलेबल कराएगा, लेकिन अगर बात करें मार्केट में, ना ही मार्केट में लोगों को मिल पा रहा है, ना ही किसी तरीके से रेड क्रॉस को मिल पा रहा है, जो कि रेड क्रॉस जो दूसरों को दे सके, जो मदद कर सके। तो लगातार शुरू से ही जो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू हो गई थी, जिस तरीके से कोरोना की महामारी शुरू हुई थी उसके बाद जो इंजेक्शन थे कोरोना के, उससे उसकी वह कालाबाजारी शुरू हुई थी, तो अब जब ब्लैक फंगस की बीमारी शुरू हो गई तो इसको भी लेकर लगातार जो इंजेक्शन इसमें कालाबाजारी चल रही, जो दवाएं उसमें भी कालाबाजारी चल रही। तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी तो बिल्कुल अपनी और एक तरफ की बात है, लेकिन रेड क्रॉस को जो ये आधिकारिक तौर पर इंजेक्शन का, लेकिन उनको जब खेप ही नहीं मिल पा रहा है तो वो किस तरह से प्रदान करेगी, ये भी तो एक बात सबसे अहम इस वक्त उजागर हो रही है। जी बिल्कुल, रेड क्रॉस ने कई बार इसकी मांग की है इंजेक्शन की, लेकिन उनको जो प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन का जो कहना है कि जो इंजेक्शन थी उसकी डिमांड पहले इतनी नहीं थी, इस वजह से उसकी जो बनने की स्थिति थी वो सही से बन नहीं पा रही थी, लेकिन अब जो जब डिमांड ज्यादा हो गई है इसकी वजह से टाइम तो लग रहा है, लेकिन उनको वक्त से दिया जाएगा। लेकिन रेड क्रॉस से जब हमारी बात हुई है तो रेड क्रॉस ने बोला है कि हमने जिस वक्त 90 इंजेक्शन की मांग किया था तो सिर्फ हमको 20 इंजेक्शन दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से रेड क्रॉस लोगों की मदद कर रहा है, लोगों के लिए खड़ा है इंजेक्शन के लिए, लेकिन जो प्रशासन है स्वास्थ्य विभाग वो नहीं पूरी तरीके से इंजेक्शन अवेलेबल करा पा रहा। बिल्कुल, ये भी जरूरी है कहीं ना कहीं शमशाद, जिस तरह से 18 डोज का ये ब्लैक फंगस का जो पूरा कोर्स है वो 18 इंजेक्शन का है, 22 इंजेक्शन खाली मिल पा रहे हैं, तो किस तरह से आपूर्ति जो है इसकी पूरी करेंगे, 269 मरीज भर्ती है। जी बिल्कुल, अगर केजीएमयू की बात करें तो केजीएमयू से लेकर पीजीआई तक और कई ऐसे अस्पताल है प्राइवेट जहां पर जो ब्लैक फंगस के मरीज है वो एडमिट है, और किसी ये इंजेक्शन की जिस तरीके से लगते हैं, किसी को 10 लगते हैं तो किसी को 20 लगते हैं, किसी को 22 लगते हैं, किसी को 56 इंजेक्शन, जिस तरीके से हालात होते हैं उस तरीके से इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन प्रशासन की बात करें तो कहीं से भी इंजेक्शन की जो पूर्ति वो नहीं करा पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मांग बढ़ रही है, सर्जरी तो करी जा रही है केजीएमयू में, इलाज तो चल रहा है, लेकिन इंजेक्शन जो है उसकी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है।
जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि कहीं ना कहीं ईमानदार जो है अब वो भड़के हुए हैं और ये गुस्सा जो वो फूट रहा है वो रेड क्रॉस सोसाइटी पर फूट रहा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी को अंतिम चरण में इंजेक्शन देने का पूरा ब्यौरा दिया गया है। बता दें कि कुल नौ जगहों से होकर गुजर के आपको परमिशन लेने के बाद, नौ दौर की परमिशन लेने के बाद आपको रेड क्रॉस जाके ये इंजेक्शन मिलता है। और जब ईमानदार ये नौ जगहों से जब इसकी मंजूरी ले लेते हैं अपने मरीज के बारे में, जब बता के उसके बाद जब वो रेड क्रॉस पहुंचते हैं तो उनको इंजेक्शन नहीं मिल पाता है। वहीं अगली बड़ी खबर है इस वक्त की, लखनऊ से सामने आ रही है के जीएमयू में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मामला, 40 दिन की नौकरी के बाद हटाने का आदेश, केजीएमयू प्रशासन ने हटाने के दिया आदेश, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में भारी नाराजगी, व्हाट्सएप ग्रुप में 31 तक नौकरी का फरमान। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का मामला सामने आया। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ शमशाद एक बार फिर जुड़ चुके हैं। शमशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 40 दिन की नौकरी के बाद हटाने के आदेश दिए गए हैं, ये आदेश केजीएमयू की तरफ से क्यों पारित करे गए हैं और जो आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे गए थे उनका क्या कुछ कहना है इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि केजीएमयू में जिस तरीके से कोरोना की जब महामारी शुरू हुई थी उसके बाद जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी थे उनको रखा गया था संविदा पर, और उनसे कहा गया था कि जब तक इलाज चल रहा है आप लोग यहां पर काम करिए, उसके बाद आपको और आगे भी रखा जाएगा। लेकिन अब उन लोगों को नोटिस दे दी गई है कि अब आप लोगों की जरूरत नहीं है, तो 30 तारीख तक आप लोगों की 30 तारीख का नोटिस उन लोगों को दिया गया है। तो कर्मचारियों का साफ तौर से कहना है और धरना प्रदर्शन वो लोग अभी भी जारी रखे हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त कोरोना की महामारी चल रही थी तब इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें काम किया था, लगातार कोरोना के बीच ये लोग काम कर रहे थे, एक तरीके से मान लीजिए कि कोरोना वॉरियर्स कहे जाते थे। लेकिन अब उन लोगों को निकाल दिया गया है वहां से नोटिस देकर, और जो कि नौकरी पे रखने से पहले ही कहा गया था कि आप लोग काम करिए और आगे भी आप शायद इस पर पूरे इस घटनाक्रम पर केजीएमयू प्रशासन का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्यों इस तरह का नोटिस दिया गया, क्या वजह रही है इन कर्मियों को हटाने के पीछे? अगर केजीएमयू प्रशासन की बात करें तो ज्यादा कुछ बोलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने साफ तौर से कह दिया कि हमने नोटिस दे दिया है और पहले 3 लोगों को बता दिया गया था कि अगर कोरोना की महामारी तक इसकी नौकरी रहेगी। लेकिन संविदा कर्मियों की अगर माने, जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे उनका कहना है कि हमको पहले ही बताया गया था कि कोरोना में जिस तरीके से लोग यहाँ पर कोरोना के मरीज आ रहे हैं पॉजिटिव के बीच रहकर काम करना और उसके बाद 40 दिन बाद इन लोगों को निकाल देना, तो कहीं ना कहीं लोग ऊपर दुर्व्यवहार जरूर किया जा रहा है। तो संविदा कर्मी इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं कि हमको पूरी तरीके से यहाँ पर रखा जाए और परमानेंट किया जाए। जी, जो उनका वेतन भत्ता था अभी तक का, क्या वो उन्हें दे दिया जा चुका है या किस तरह से प्रोसेस होने वाला, उनका वेतन भत्ता देकर उन्हें फिर हटा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन लोगों को वेतन पे रखा गया था, तो कोई टेक्नीशियन था तो कोई नर्स पे था तो कोई वार्ड बॉय था, अलग तरीके से लगभग कई लोगों का एक टीम बनाई गई थी, उस टीम में कई लोगों को रखा गया था। तो कुछ लोगों को वेतन दिया गया है, कुछ लोगों का अभी बाकी है, कुछ लोगों को नोटिस मिला हुआ है। फिलहाल प्रशासन से और संविदा कर्मियों से बात चल रही है, लेकिन किसी तरीके से कोई अगर बात साफ होती भी नजर नहीं आ रही है और लगातार प्रदर्शन जारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केजीएमयू की तरफ से ये फरमान जारी कर दिया गया है कि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, जब कोरोना काल में जिस तरह से केसेस लगातार उजागर हो रहे थे, कई ज्यादा केसेस एक एक दिन में सामने आ रहे थे, उसके बाद जैसे ही कोरोना के मामले घटने शुरू हुए वैसे ही केजीएमयू के प्रशासन ने ये फरमान जारी कर दिया कि जो आउटसोर्सिंग के लिए जो कर्मचारी रखे गए थे अब उनको नोटिस पीरियड पर 31 तारीख के बाद से हटा दिया जाएगा। वही एक और बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, राजधानी में वैक्सीनेशन को भटक रहे लोग, सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा स्लॉट, रजिस्ट्रेशन के बाद हजारों लोग इंतजार में, 93 सरकारी केंद्रों पर हो रहा वैक्सीनेशन, 2 निजी अस्पतालों में हो रहा वैक्सीनेशन। तो अब आप देख सकते हैं कि हालात वैक्सीनेशन को लेकर भी लखनऊ में बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यानी कि एक तो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं खुलता, उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन में लोग हजारों की संख्या में जो लोग उसमें रजिस्टर हो जाते हैं उनको
वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो वैक्सीन की किल्लत ये खबर इस वक्त दर्शा रही है कि किस कदर वैक्सीन की कमी दर्ज की जा रही है। वहीं हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला पंचायत सदस्य पर हमले का मामला, पूर्व प्रधान समेत 9 लोगों पर दर्ज मामला, डीजे पर डांस को लेकर हुआ था विवाद, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से किया था हमला, शाहबाद कोतवाली के कैथा गौटिया का पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है। वहीं इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता गुलफाम जुड़ चुके हैं। पूर्व सांसद समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। गुलफाम, डीजे पर डांस को लेकर विवाद हुआ था, क्या पूरी घटना है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? बता दूं कि कोतवाली शाहबाद से कहता गौटिया में डीजे पर डांस को लेकर जिला पंचायत सदस्य के ऊपर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें पूर्व प्रधान समेत 9 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी, 9 लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या इनकी कोविड एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है? डीजे पर डांस को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन ये विवाद क्यों इतना बढ़ गया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे यूपी में लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो डीजे पे डांस कर डीजे पे जिस तरीके से डांस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, उसी के तहत उनके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जी, इस पूरे घटनाक्रम में क्या किसी के घायल होने का भी कोई खबर है कि इसमें, क्योंकि लाठी डंडे भी जिस तरह से ग्रामीणों ने चलाए, तो उसके बाद क्या लोग घायल भी हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लाठी डंडे जी बिल्कुल आपको बता दूं, ग्रामीणों ने जिस तरीके से लाठी डंडे चलाए थे, उसमें कहीं ना कहीं छोटी हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसका उपचार सरकारी अस्पताल में कराया गया। साथ ही इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं पुलिस ने फोकस करते हुए मामला दर्ज करके 9 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डीजे पर डांस को लेकर विवाद में पूर्व प्रधान समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। बता दें कि ग्रामीणों ने लाठी डंडे भी चलाए, हालांकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हरदोई से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मेरठ से अगली बड़ी खबर, ब्लैक फंगस के मिले 11 नए मरीज, 2 मरीजों की ब्लैक फंगस से हुई मौत, म्यूकोरमाइसिस केस लगातार बढ़ रहे, जिले में ब्लैक फंगस के 88 एक्टिव केस। मेरठ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में भी ब्लैक फंगस का कहर जो है वो बरपने लग गया है और उसकी बांगी करती आप ये इस वक्त की ये बड़ी खबर देख रहे हैं। 11 मरीज मिले हैं, जिनमें से 2 की मौत भी हो चुकी है। तो म्यूकोरमाइसिस के केसेस में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, कुल एक्टिव केसेस की संख्या 88 हो गई है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में भी ब्लैक फंगस का कहर जारी। वहीं आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना नदी में युवक का मिला शव, शव मिलने से फैली सनसनी, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, मछलियों को दाना डालने आया था युवक, एतमा छोला के जवाहर पुल का पूरा मामला। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक 28 मई को, जीएसटी काउंसिल की 7 माह बाद होगी बैठक, कोविड उपकरणों पर मिल सकती है राहत, जीएसटी 12% से घटकर 5% होने की उम्मीद। 7 महीने बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और इसमें कोविड के अंतर्गत आने वाली जो तमाम सामग्री है, जिस पर जीएसटी यानी कि जो दर अभी तक लगती आ रही है, उसको लेकर कटौती का अनुमान जताया जा रहा है। 12% से घटकर 5% होने की उम्मीद जताई जा रही है। 28 मई को ये बैठक होनी है। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, लाल किला हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल, 30 हजारी कोर्ट में 3224 पेज की चार्जशीट, लाल किला हिंसा सोची समझी साजिश, चार्जशीट में लिखा गया है दीप से धूप
इकबाल सिंह को बनाया गया आरोपी। 28 मई को होगी सुनवाई। ब्रेकिंग बैक टू बैक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला प्राइम टीवी पर यूं ही जारी रहेगा।